राइटिंग टास्क टू दे विच बेसिकली चार टाइप के ऐसे होंगे ने जिन्होंने रिकॉग्नाइज करना जरूरी है. फर्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऐसे, सेकेंड वन इज डिस्कशन, थर्ड वन इज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड फोर्थ वन इज ये ऐसे दो टाइप ना ला सकते हैं कॉज सोल्यूशन और कॉजेज और इफेक्ट्स इकट्ठे तीनों चीज़ें नहीं आनगे. हुण आपां नूं कितना पता लगेगा स्टेटमेंट नूं रीड करके कि ऐसे किस टाइप का तेनों कितना हैंडल करना है. सो फर्स्ट वन कि जेकर ऐसे की स्टेटमेंट के उन्होंने पूछा है कि डू यू अग्री और डिसअग्री और जो उन्होंने ये पूछा हो कि टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री तो इट मीनस ये ऐसे आर्ग्यूमेंट टाइप ऐसे है तो आप उस अकॉर्डिंग हैंडल करा. सेकेंड टाइप के ऐसे विच डिस्कशन टाइप जिन्हों कहें इन हमेशा अपन चीज़ लिखी हुई मिलेगी कि डिस्कस बोथ व्यूज. इट मीनस कि आपां कंपल्शन है कि दोनों दिया दोनों जो स्टेटमेंट्स दित्तियां गई ने तो उन्होंने आपां उन्होंने पिछे जो भी रीजनस या सोल्यूशन जो भी है वो आपां डिस्कस करना ही पैना दोनों साइड्स ते नाल है गिव योर ओपीनियन. हुण इहदे विच की है कि जे उन्होंने कहा कि सिर्फ डिस्कस बोथ व्यूज तो डिस्कस बोथ व्यूज ही करने ने पर जे वो नाल कहता कि गिव योर ओपीनियन तो आप ओपीनियन देने की लोड़ है अदरवाइज कोई लोड़ नहीं. थर्ड वन इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. ये तुम पहले ही दिख रहा कि ये की फायदे ने इन नुकसान है वो चीज़ आप इस ऐसे डिस्कस करेंगे तो ईजीली आइडेंटिफाई हो जाता है. फोर्थ वन इज कॉज सोल्यूशन इफेक्ट. कॉज मतलब आप रीजन दसने कारण दसने ने कि कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो ये कारण की है जिमें कि आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण की ने क्यों हो रही है सोल्यूशन की ने कि आप रोक किवें सकते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग नूं घटाया जा सके ते इफेक्ट्स की रहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अपनी इनवायरमेंट से लोगों की हेल्थ से या फिर सोसाइटी से की इफेक्ट्स पै रहे हैं तो मतलब प्रभाव तो आप इफेक्ट्स की गल करांगे. सो होप तुहानूं पता लग गया होगा कि चार टाइप जैसे की होंगे. सो नैक्सट हुण आपां गल करांगे कि ऐसे नूं आइडेंटिफाई करन तो बाद ऐसे नूं सॉल्व किदां करना ते कहड़े कहड़े स्टैप्स सानूं फॉलो करन दी लोड़ है ऐसे नूं लिखदे हुए. सो फर्स्ट वन की है सानूं सिर्फ पांच स्टैप फॉलो करन दी लोड़ है ऐसे नूं प्रॉपरली लिखण दे लई. सो ये पांच स्टैप हैगे ने. फर्स्ट वन इज पहला तो की करना है आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ ऐसे कैसे दी स्टेटमेंट आपां ने रीड करनी आ ते रीड करके पता करना है कि जिहड़ा ऐसे है किस टाइप दा आर्ग्यूमेंट टाइप ऐसे है इज इट अ डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे जां फिर यह एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला ऐसे है जां फिर यह कॉज और इफेक्ट और सोल्यूशन वाला ऐसे है. सो फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई. सेकेंड आपां की करना है चैक इन हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ दिस ऐसे इज रिटन कि ऐसे नूं किन्ने पार्ट्स विच मतलब स्टेटमेंट नूं किन्ने पार्ट्स विच वंडिया गया. फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां नूं पुछ लैन कि फॉर एग्जाम्पल आपां नूं पुछ लैन कि सम पेरेंट्स से दैट चिल्ड्रन शुड यूज द इंटरनेट डू यू अग्री और डिसअग्री. हुण जे ऐसे देखिए तो ये की पूछा कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि चिल्ड्रन इंटरनेट यूज करना चाहिए तो दूजी गल की होगी कि तुसी इस चीज़ में लग रही हो कि डिसअग्री हो तो इस करके की होया ये दो पार्ट आ गए. फर्स्ट इज रीफ्रेजिंग सेकेंड इज ओपीनियन तो यह है ऐसे दे पार्ट्स. थर्ड वन इज रीफ्रेजिंग क्वेश्चन. सो अपनी ये स्टेटमेंट की सी कि सम पेरेंट्स से दैट चिल्ड्रन शुड यूज द इंटरनेट. हुण इहदे विच स्टेटमेंट की है कि पेरेंट्स कुछ कहते हैं कि बच्चों यूज करना चाहिए तो फिर स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट कि
पेरेंट्स कहते हैं कि चिल्ड्रन इंटरनेट यूज़ करना चाहिए, तो फिर आप रीफ्रेस की नू करेंगे इस लाइन नू। तो रीफ्रेस करने के भी दो तीन तरीके ने। फर्स्ट वन इज कि जिहड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है इसी स्टेटमेंट नू पैसिव फॉर्म च लिख दी है, जो कि मैं अगे एक्सप्लेन करूँगी। तो सैकेंड वे हैगा कि आप सिनोनिम्स लग के सिनोनिम्स के थ्रू इन रीप्लेस कर दिए। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि से वर्ड आप कह सकते हैं कि सम पेरेंट्स सुजेस्ट दैट, तो चिल्ड्रन आप यंगस्टर्स कह सकते हैं, बडिंग माइंड्स बोल सकते हैं, तो यूज आप ब्राउज बोल सकते हैं, सर्फिंग बोल सकते हैं ना, तो इंटरनेट में आप वैब मीडिया और द नैट। सो दिस इज द वे। तो आप फिर की बोलेंगे कि सम पेरेंट्स सुजेस्ट दैट यंगस्टर्स शुड ब्राउज द वैब मीडिया और द नैट। सो ये की होया कि रीफ्रेस हो गया क्वेश्चन। नैक्सट इज राइट इंट्रोडक्शन। हूँ की करेंगे, फस्ट आप करना कि कोई जर्नल लाइन लभनी है इंटरनेट के रिगार्डिंग, कि इदा कुछ लभ्या जा सकता है। जे थोड़े को जर्नल लाइन है तो लिख दो, जे नहीं हैगी तो आप स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट वी विल डू रीफ्रेजिंग एंड दैन वी विल स्टार्ट आर इंट्रोडक्शन बाय गिविंग आर ओपीनियन। तो आप अपनी ओपीनियन दे के इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तो बाद आ जाता अपना बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ के विच की है, बॉडी पैराग्राफ तो दिन अपना होगा कॉन्क्लूजन। हम बॉडी पैराग्राफ में किवें हैंडल करना, बॉडी पैराग्राफ के विच भी अगो चार चीज़ आ जाएं ने की करना है। सब तो पहले अपना इदा की कोई लाइन लिखनी है कि जिस लाइन में देखते ही जो एग्जामीनर है ना उन्होंने क्लीयर हो जाए कि किस चीज़ के रिगार्डिंग आप गल कर लगे हाँ, कि आप अग्री के रिगार्डिंग गल कर लगे हाँ कि आप डिसअग्री दे गल कर लगे हाँ। सो फस्ट लाइन तो क्लीयर हो जाना चाहिए कि फस्ट जो बॉडी पैराग्राफ है वह अग्री के रिगार्डिंग है कि डिसअग्री दे। ओके, फिर जो आप ओपीनियन दिती है फस्ट स्टेटमेंट के फिर वो रिगार्डिंग उन्होंने सपोर्ट करने के लिए आप आइडिया लिखा, आइडिया देवे कि जे मैं अग्री हाँ कि बच मतलब पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चों इंटरनेट यूज़ कर देना चाहिए है, जे मैं इस चीज़ में अग्री हाँ तो फिर मैं की करूँगी, फिर मैं दसूँगी भी मैं अग्री हाँ तो क्यों अग्री हाँ, वह रीज़न की है क्यों, क्योंकि अजकल का टाइम ही इदा हो चुका है कि बच्चों जोड़ा है इंटरनेट जरूरी हो चुका है, जो इंटरनेट यूज़ नहीं करिए तो बहुत पिछे रह जाएंगे, क्योंकि अभी कोई जगह नहीं बची जिसे इंटरनेट का यूज ना हो। सो फिर मैं की करूँगी, इनू लिखूँगी तो दैन आई विल एलैबोरेट माई रीजनस कि जो मैं अग्री हाँ, जो मेरा आइडिया तो आइडिया के पिछे कारण की ने, मैं क्यों ये कह रही हाँ, तो एलैबोरेट करके दैन सेम सैकेंड आइडिया देवे, फिर सैकेंड आइडिया एलैबोरेट करेंगे। सो सेम प्रोसैस विल गो ऑन इन नैक्सट बॉडी पैराग्राफ, मीनस सैकेंड बॉडी पैराग्राफ। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल गो ऑन आर कंक्लूजन। तो आप अपनी कंक्लूजन करांगे, तो कंक्लूजन दे विच की रहेगा कि आप कोई भी नवा आइडिया या नवी ओपीनियन कंक्लूजन दे विच कदे भी नहीं देनी। कंक्लूजन दे विच ओही ओपीनियन रहेगी जो आप इंट्रो च पहले ही कह चुके हैं कि आप अग्री हाँ या डिसअग्री हाँ, ठीक है। कंक्लूजन दे विच कदे भी अगे जाके अपना आइडिया चेंज नहीं करना, जो ओपीनियन चेंज नहीं करनी, ठीक। तो उहदे विच की कहांगे, जो ओपीनियन जो पहला आइडिया से उन्होंने दोबारा तो दोहरावे कि इट इज़ रीआइट्रेटेड दैट, जहाँ आई अगेन सपोर्ट माई व्यू पॉइंट वट एवर यू वॉन्ट टू से, बट यू आर नॉट गोइंग टू गिव न्यू ओपीनियन। एंड नाल ही ये दो लाइन कंक्लूजन कंप्लीट कर सकते हो, फस्ट और जो थोड़ी ओपीनियन है उन्हें दोबारा उत्ते लिखोगे कि अग्री हाँ ये चीज़ होनी चाहिए है, ठीक है। तो नाल ही तुसी फिर वो रिगार्डिंग की करोगे, जो तुसी की कर सकते हो, जो तुसी कोई सलाह दे दो, कोई भविष्यवाणी कर दो, प्रेडिक्शन। सलाह की हो सकती है कि इंटरनेट जोड़ा है जो एक्सेस के यूज़ हो, एक्सेस के यूज़ होया तो उन्हें की हो सकता है, वो कॉन्सीक्यूस माड़े हो सकते हैं, पेरेंट्स
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕਿਊਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਯੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ, ਅਤੇ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਐਸ ਐਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਐਸ ਐਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਐਸੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਰ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼, ਇਨ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਰਕਰਸ ਓਵਰ 60 ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ। ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ 60 ਤੋਂ ਅਬਵ, ਮਤਲਬ 60 ਤੋਂ 60 ਵਾਲੇ ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦਿਸ ਮੇ ਕੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਮੇ ਰਿਟਾਇਰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ? ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 5 to 6 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਸਟੈਪਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸ ਸੀ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ, ਸੋ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਸ ਸੀ ਹੈ ਇਹ? ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ? ਸੋ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਐਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼, ਚੈੱਕ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਟਾਸਕ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਓਵਰ 60 ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਵਰਕ ਪਲੇਸ। ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਰ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਰ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਫਸਟ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਬਣੇਗੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ? 2 or 3। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਉ। 3 ਵੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ। ਫਸਟ, ਸਾਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਉ। ਸੈਕਿੰਡ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਉ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी प्रपोज अर्ली रिटायरमेंट एज यू फाइंड दैट इट कैन रिजल्ट इन टू सोशल इश्यूज. सो वी कन्वर्ट दिस लाइन इन आर वर्डिंग्स. साड़ी वर्डिंग्स से विच कन्वर्ट करता. तो दूसरा तरीका की हो सकता है कि आप ये सिनोनिम्स लिए. फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम्स की हो सकते ने कंट्रीज से हो सकते ने. कंट्रीज नु की लिख सकते नेशन रीजन और मैनी नु की लिख सकते हैं मैनी नंबर ऑफ अ होस्ट ऑफ. थर्ड वन इज वर्कर्स. वर्कर्स नु की लिख सकते हैं इम्प्लॉइज स्टाफ मैन पावर. एंड नेक्स्ट वर्ड इज ओवर. ओवर नु की बोल सकते हैं इज अबव और टू पास 60 एक्सीड 60 सच काइंड ऑफ वर्ड्स. और ओवर 60 नु आप सीनियर सिटीजन्स भी बोल सकते हैं. सो हेयर वी आर फाइंडिंग सिनोनिम्स. सो प्रॉब्लम्स नु आप की बोल सकते हैं इश्यूज. ओके सो इदा करके तो वर्क वर्क प्लेस नु आप की लिख सकते हैं वर्क प्लेस. वर्क प्लेस मीन ऑफिस प्रीमाइसिस प्रेमिसिस वर्क. सो सच काइंड ऑफ वर्ड्स. सो इदा वर्ड्स नु यूज करके भी आप फिर डिटो इदा ही लाइन्स नु नीचे इंट्रोडक्शन च लिख देंगे. जस्ट की होएगा वर्ड्स जेने मेन मेन ने उन्होंने सिनोनिम्स नाल रिप्लेस के कर दिया जाएगा. ओके सो दिस इज द वे हाउ वी कैन हैंडल आर रिफ्रेजिंग. तो इदा रिफ्रेजिंग हो सकती है अपनी. सो नैक्सट नैक्सट फिर आप करते हैं इंट्रोडक्शन दे विच जनरल स्टेटमेंट होगी रीफ्रेजिंग होगी. हुण ओपीनियन देन तो पहला एक काम जरूरी करना है. की करना है ब्रेन स्टॉर्मिंग. वट इज़ अ ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब की करना है कि ऐसे दी प्लानिंग करनी है. प्लानिंग करन लई की करना है पहला अग्री लिख लो एक साइड लिख लो डिसअग्री. सेंटर च एक लाइन लगाओ फिर सोचो पॉइंट दोनों साइड आते. जो पॉइंट सोचोगे तुम्हें पता लगेगा तो पॉइंट लिखते जाओ. जिस चीज़ के पॉइंट थोड़े को ज़्यादा वधिया ने तो ज़्यादा है उस साइड तुम अपने ऐसे नू लै जाओ. जो थोड़े को अगरी के पॉइंट ज़्यादा है यू विल सी आई एम अग्री विद दिस नोशन. तो जे तुम डिसअग्री के पॉइंट ज़्यादा है तो यू विल से दैट आई एम अगेंस्ट दिस नोशन. ओके एंड आई विल क्लैरिफाई इट और आई विल डिस्क्राइब इट और आई विल डिस्क्राइब द रीजन्स बिहाइंड दिस इन अपकमिंग पैराग्राफ्स. ओके सो दिस इज द मेन सॉल्यूशंस. सो नेक्स्ट इज बॉडी पैराग्राफ. सो हाउ वी कैन वी आर गोइंग टू हैंडल दिस वन. ओके सो नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन हेज एस एक्सप्लेनेशन. सो वाइल डूइंग दिस एज नु करते हुए ना नाल आप ऐसे नु एक्सप्लेन भी करांगे. तो जड़े अपने पॉइंट्स आप अगे दिते ने इस टास्क नु हैंडल करने जड़े स्टेप्स ने उन्हों भी नाल नाल समझते जावांगे. ओके सो फर्स्ट वन इज इन मैनी कंट्रीज वर्कर्स ओवर 60 कैन बी फाउंड इन द वर्क प्लेस. सम पीपल थिंक दैट दिस मे कॉज सोशल प्रॉब्लम्स एंड दे मे रिटायर. डू यू अग्री और डिसअग्री. Include any relevant example. So first, here's our introduction. The introduction to shuru karan lagya. Retirement age has been extended in a host of regions on the globe. So jab aap channel dekhiye, in many countries workers over 60 can be found in the workplace. So aisi cheez na pakki kita rephrasing kita. Retirement age has been extended in a host of regions on the globe. And next line is some sections of society propose early retirement as they opine that it can result into social issues. So issues tak kyun hai pa second line explain ki thi. Dekho dhyan na some people think that this may cause social problems and they may retire. Ta kehne nal kiya ke lokan nu lagda hai ke inna karan is karan problems ho sakdi hain social problems ho sakdi hain ne to nu retire kar dena chahiye.
ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਦੇ ਓਪਾਈਨ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਓਪਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਟੋ ਉਹੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ ਸੋ ਹਾਓ ਐਵਰ ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਸਮ ਕਨੈਕਟਰਸ ਕਨੈਕਟਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ ਮੋਰ ਓਵਰ ਹਾਓ ਐਵਰ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਸਪੋਰਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਐਟ ਅਰਲੀ ਏਜ ਕੀਪ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮਾਇੰਡ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਸਪੋਰਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਸਪੋਰਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏ ਐਟ ਅਰਲੀ ਏਜ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਗਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆਰ ਫਸਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਆਈਡੀਆ ਓਕੇ ਐਟ ਅਰਲੀ ਏਜ ਕੀਪ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮਾਇੰਡ ਆਪਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨੀਡਲੈਸ ਟੂ ਸੇ ਮੀਨਸ ਨੀਡਲੈਸ ਮਤਲਬ ਹਾਊਐਵਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਮੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਥੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋ ਇਫ ਸੱਚ ਯੰਗਸਟਰਸ ਗੈਟ ਜੋਬਸ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਆ ਰਾਈਟ ਡਿਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋਬਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਿਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਐਂਡ ਕੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂਵਰਡਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੈਂਕਸ